चलो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है रे ऑप्टिक्स? कंपैरेटिवली फिजिक्स में है ना इंटरेस्टेड, इजी? हाँ, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो रेगुलर वर्क होना चाहिए वो रेगुलर वर्क नहीं करते, क्योंकि जो मैं साथ साथ एमसीक्यू भेज रहा हूँ तो वो एमसीक्यू के ना तो आप कुछ डाउट पूछते हैं, ना तो कोई रिस्पॉन्स है। अब नेक्स्ट पीरियड से आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, जो आपको क्वेश्चन लिखना है और उसकी फोटो निकाल के भेजना है कि भाई आपने लिखा है, तो उसमें डेली का डेली वर्क करना है और साथ साथ उसके जो इलस्ट्रेशन के एमसीक्यूज है, इलस्ट्रेशन के सॉरी जो न्यूमेरिकल्स है वो एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा रिफ्लेक्शन हो गया तो रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल आपको करने हैं, साथ साथ डाउट पूछने हैं, ठीक है? तो अभी करें आगे। मैं समझ सकता हूं कि आप 12th साइंस के स्टूडेंट है और आप बहुत अच्छा वर्क करेंगे। चलो तो आगे जाए, तब इस चैप्टर का जो मेन पोर्शन है जिस पर पूरा चैप्टर है, मेजॉरिटी पार्ट है, वो है लेंस। तो लेंस का मतलब आपने लेंस तो देखा होगा, जैसे कि ये मैंने स्पेक्स पहने हैं उसके भी ये लेंस ही है। तो लेंस का पहले मतलब क्या है? तो लेंस इज अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, एक सरफेस दूसरी सरफेस, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, जो दो सरफेस में से एक सरफेस तो कर्व्ड सरफेस होनी चाहिए, मतलब या दोनों कर्व्ड सरफेस हो या मिनिमम एक कर्व्ड सरफेस हो, टू सरफेसेस एटलीस्ट वन ऑफ विच इज कर्व्ड सरफेस, क्योंकि दोनों प्लेन है तो दैट इज नॉट लेंस, दैट इज स्लैब। लेंस का मतलब एक सरफेस कर्व्ड होनी चाहिए। There is two type of lenses, one convex or converging lens. Converging lens का मतलब when parallel rays incident on that lens, they are converging. Converging मतलब वो focus करेंगे center की तरफ, वो converge करेंगे, तो convex lens का और भी नाम है कन्वर्जिंग लेंस। क्या करता है वो? इट्स कन्वर्स अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जैसे कि यहां पे लेंस पे पैरेलल रेज आती है तो वो पैरेलल रेज को कन्वर्ज करती है, मतलब कि एक पॉइंट पे फोकस करती है, तो ये कन्वर्ज करना हुआ, तो दिस टाइप ऑफ लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। सेकंड डेफिनेशन कैसे आप पहचानेंगे? तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो है, जैसे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो आप देख रहे हैं कि सेंटर में से वो ठीक है
और उसकी एज जो है वो पतली है, सेंटर का पार्ट है वो ठीक है, थिकर एट सेंटर पार्ट, दिस इज नॉन एज बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय कॉन्वेक्स लेंस मतलब दोनों तरफ की सरफेसेस उसकी कॉन्वेक्स है, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, तो ये कहते हैं बायो कॉन्वेक्स। फिर एक सरफेस प्लेन है और एक कॉन्वेक्स है तो उसको कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, और एक कॉन्वेक्स है और दूसरी डिफरेंट कर्वेचर की कॉनकेव है, कॉन्वेक्स भी है और दूसरी रेडियस अलग से कॉनकेव भी है, उसको कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। सेकंड जो है उससे उल्टा है, दिस इज नॉन एज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव का मतलब होता है इससे उल्टा, हियर सेंटर पार्ट इज थिनर और सरकमफ्रेंस इज थिकर, सेंटर पार्ट इज थिनर, सेंटर पार्ट इज थिनर, थिनर एट सेंटर, उसका काम क्या है डाइवर्स करना, मतलब कि फैलाना, जैसे कि अगर इस पे पैरेलल रेज आएंगे तो वो इसको डाइवर्स करेगी, हाँ इमेज मिलेगी लेकिन पीछे ले जाने के बाद, तो इसको कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसमें दोनों सरफेसेस कॉनकेव है तो बायो कॉनकेव, इसकी एक प्लेन है एक कॉनकेव है तो प्लेनो कॉनकेव, इसकी कॉन्वेक्स और कॉनकेव तो उसको कहते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव, जैसे ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स ऐसे ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव। नॉर्मली दिस काम यूज एज ए आई में जो लेंस कहते हैं वो लेंसेस इस टाइप के होते हैं, देयर इज टू टाइप। हाँ ध्यान रखना क्या वर्ड यूज किया है, कॉन्वेक्स नॉर्मली यूज करे तो समझना बायो कॉन्वेक्स ही है, कॉनकेव लेंस यूज करे तो समझना कि बायो कॉनकेव ही है, अदरवाइज वो यूज करेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉनकेव, ये नॉर्मली नहीं है कहीं भी हमारे डिस्कशन में। अब हम लेंस के लिए दो सरफेसेस चाहिए तो पहले हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि डेंसर मीडियम की जो रेयरर मीडियम की तरफ सरफेस है स्फेरिकल, वो स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स है और रेरर मीडियम एयर में ऑब्जेक्ट है और डेंसर मीडियम में उसकी रियल इमेज बनती है, तो सेम टू सेम मेथड है जो हमने मिरर फॉर्मूला में की थी। तीन पॉइंट पकड़ के रखने हैं, वन एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड थर्ड अंदर के दो एंगल की एडिशन उसके आउटर एंगल जितनी होती है, बस तीन पॉइंट आपका आंसर मिल गया। तो थ्योरी को समझना जरूरी है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट है पॉइंट लाइक, दिस इज इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट ऑन दैट, दिस इज नॉर्मल, जो सी में से पास होगा, सी में से, दिस इज नॉर्मल ऑन सरफेस, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, सपोज दैट इज थीटा वन, मीडियम इज म्यू वन. नाउ ड्यू टू स्नेल्स लॉ, यहां पे रेरर टू डेंसर है, तो इट्स डेविएटेड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इसलिए ये ओरिजिनल पाथ डेविएट हुआ, रिफ्रैक्शन हुई, ये रिफ्रैक्टेड रे, एंगल विथ नॉर्मल इज थीटा टू. सेकंड रे लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे जो नॉर्मल है, तो विदाउट डेविएशन वो निकल जाएगी. बोथ आर मीटिंग एट पॉइंट, दिस पॉइंट फॉर्म आर इमेज, तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी यहां पे रियल इमेज बनी. अब एक्चुअल में एंगल्स थीटा वन थीटा टू आर वेरी वेरी स्मॉल, जो हमने पहले कहा था कि पूरा चैप्टर किसके लिए है, पैरेक्सियल रेज के लिए. पैरेक्सियल रेज का ही मतलब है जो भी एंगल्स बनेंगे वो बहुत ही स्मॉल है. मतलब ये हुआ कि ये कर्वनेस जो दिखाई देती है वो एक्चुअली परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्योंकि वेरी स्मॉल. तो ये पार्ट बताया है, मतलब कि आप ट्रिगोमेट्री फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, या थीटा स्मॉल है तो रेडियन में भी ले सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस. अब पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू, ऑल दिस साइड्स आर इंडिकेट विथ माइनस साइन, दिस इज सेंटर, दैट्स व्हाई दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज इमेज, दिस डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये सब साइड प्लस है, ये माइनस है. अब तीन पॉइंट लेने हैं, स्नेल्स लॉ, म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू, इक्वेशन वन. अब ये एंगल इज इक्वल टू आर बाय रेडियस, तो यहां पे ये रहा एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो अल्फा इज इक्वल टू ये है पीएम पीएन होगा ना, या एनएम पीएम कहो, कोई बात नहीं, यहां पे हम एन और एम ये पीएम आर्क बाय रेडियस, लेकिन ऑन दिस साइड यू इज माइनस, दैट्स अल्फा इज इक्वल टू पी एम बाय माइनस यू, बीटा इज इक्वल टू आर पी एम बाय कैपिटल आर, एंड गामा इज इक्वल टू आर पी एम बाय वी. सेकंड थिंग, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, दैट्स वाई साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, दैट्स वाई म्यू वन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू थीटा टू. अब थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू, तो ये आउटर एंगल है, ये दोनों इनर है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा, समझना, ये दो इनर है, ये उसका आउटर है, तो बीटा इज इक्वल टू थीटा टू प्लस गेमा. थीटा वन की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, थीटा टू की वैल्यू बीटा माइनस गेमा. सिंप्लीफाई करेंगे, फिर अल्फा की वैल्यू डालेंगे, गेमा की वैल्यू डालेंगे और बीटा की वैल्यू डालेंगे, तो वी गेट म्यू वन बाय माइनस यू प्लस म्यू टू बाय वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर.
तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हियर दिस इज द कर्व्ड सरफेस, ऑब्जेक्ट इज इन रेरर मीडियम एंड इमेज फॉर्म ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम. रेरर मीडियम हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन एंड डेंसर मीडियम हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू. दिस इज द ऑब्जेक्ट पॉइंट लाइक दिस इज इंसिडेंट रे, दैट्स व्हाई दिस डिस्टेंस इज यू ऑन दिस साइड, साइन इज नेगेटिव. नाउ दिस इज नॉर्मल पासिंग थ्रू सेंटर, दिस इज सी वन. वी नो रेरर टू डेंसर, दैट्स व्हाई इट्स डेविएटेड टूवर्ड्स द नॉर्मल. हियर दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने बनाया, उसको कहेंगे आई सफिक्स वन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कहेंगे आर सफिक्स वन और आर वन. सेकंड रे इज ऑलरेडी ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, बोथ आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, इमेज इज क्रिएटेड आई वन. तो फॉर स्नेल्स लॉ हियर म्यू वन आई वन इज इक्वल टू म्यू टू आर वन, मीन्स म्यू इंटू आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर वन वन. दिस इज द टेक्निक, कैसे याद रखेंगे आप? आप म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन है तो यहां पे इस सिचुएशन के लिए हमने थियोरी में से फॉर्मूला डिराइव की, म्यू टू बाय वी वन इज इक्वल टू म्यू वन माइनस यू इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल म्यू टू माइनस म्यू वन ऑन दिस साइड आर वन प्लस. तो दिस इज द इक्वेशन फॉर कर्व्ड सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेरर मीडियम एंड इमेज इज इन डेंसर मीडियम. नाउ उससे उल्टा करें कि ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड इमेज इज इन रेरर मीडियम तो क्या होगा? तो हियर नेचुरली है म्यू टू आई इज इक्वल टू म्यू वन आर होगा. मतलब थोड़ा याद रखने की टेक्निक सोच लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा टेक्स्ट बुक में. अब यहां पे नॉर्मल के साथ एंगल होगा आई टू, रिफ्रैक्शन एंगल आर टू. क्यों? तो यहां पे जो फर्स्ट से इमेज मिली आई वन वो सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड कर्व सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट. क्यों? हमें लेंस की बात करनी है और लेंस में तो आपको मालूम है ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज. लेकिन हमारे पास फॉर्मूला एक ही कर्व सरफेस की है इसलिए दो पार्ट में डिस्कस करते हैं, थ्योरी करते हैं. तो यहां पे होगा ये कि जो फर्स्ट से हमें इमेज मिली आई वन वो सेकंड कर्व सरफेस के लिए, सेकंड कर्व सरफेस के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा. मतलब कि यू इज इक्वल टू वी वन और उसकी फाइनल इमेज बनती है यहां पे आई, दैट्स व्हाई दिस डिस्टेंस इज वी. और ये कर्व सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे है आर टू. ऑन दिस साइड वी नो इट्स इंडिकेटेड विथ माइनस साइन,
तो माइनस आर टू। ये जो सेंटर है वो है इस कर्व सरफेस का। नाउ थिंक्स बाय सेम मेथड, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस सिचुएशन? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, म्यू वन इंटू वी इज इक्वल टू म्यू टू इंटू यू, क्योंकि एक्चुअली डेंसर में है देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट्स व्हाई म्यू टू इंटू यू। लेकिन यू जो है वो हमारे लिए वी वन है, दैट्स व्हाई वी वन। म्यू टू माइनस म्यू वन एंगल माइनस इनिशियल। तो इन दिस साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आर टू है। यहां पे ध्यान रखेंगे हम कि म्यू टू माइनस म्यू वन, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी इस साइड में माइनस रहेगी। हाँ, अब हमारे पास इंडिविजुअल दोनों कर्व सरफेस के लिए फॉर्मूला है। अब दोनों कर्व सरफेस की इंटीग्रेशन करें, मिला दे, तो ये है सरफेस नंबर वन, ये है सरफेस नंबर टू। दोनों सरफेस के बीच डेंसर मीडियम हो गया, तो ये लेंस की डेफिनेशन हो गई। तो अब लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगी? तो क्योंकि भाई ये फॉर्मूला वन और ये फॉर्मूला टू की एडिशन करें, तो बाय एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो इक्वेशन वन है म्यू टू बाय वी वन माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर वन। ये है माइनस म्यू टू बाय वी वन माइनस म्यू टू बाय वी वन प्लस म्यू वन बाय वी प्लस म्यू वन बाय वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय माइनस आर टू। अब नेचुरली है ये कैंसल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस है दूसरी माइनस है। अब प्लस वाली पहले लिखे तो भी प्रॉब्लम नहीं, ये माइनस वाले, तो ये लिखेंगे पहले माइनस म्यू वन बाय यू प्लस म्यू वन बाय वी म्यू टू माइनस म्यू वन, कॉमन निकलेगा दोनों में से, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। यहां पे म्यू वन कॉमन निकला, माइनस वन बाय यू प्लस वन बाय वी, ये म्यू वन ऑन दिस साइड, तो पहले प्लस लिखते हैं तो वन बाय वी माइनस वन बाय यू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय म्यू वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। नाउ वी और यू की जगह पे एफ लिखना है, कैसे? तो यहां पे हम कहेंगे कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, सोचो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, मतलब कि रेस पैरेलल है, और पैरेलल रे होगी तो वो फोकस होगी, जहां पे वो फोकस होगी दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, दिस नोन एज प्रिंसिपल फोकस। और उससे उल्टा कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे और रे पैरेलल होगी, तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो वो है फोकस, मतलब कि यहां पे दो फोकस है। लेकिन एग्जाम के लिए ध्यान रखना कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है और हमें इमेज फोकस पे मिलती है, वो एक्चुअली कहते हैं F2। हाँ, F2 ही यहां पे प्रिंसिपल फोकस है, राइट? लेकिन उसकी सिंबल है F2 एक्चुअली। हाँ, फिर उसको लेंथ में तो F ही कहेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ किसी भी तरफ लो आप फोकल लेंथ प्लस सी लेंगे, वो ध्यान रखना।
दिस इज प्रिंसिपल फोकस। आप उल्टा करें थोड़ा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखें तो क्या होगा, तो रेज पैरेलल बन जाएंगे, मतलब इमेज इनफाइनाइट पे मिलेगी। तो ये है F1, लेकिन F1 को एक्चुअल में कहते हैं सेकेंडरी फोकस। यस, यहां पे ये ध्यान रखना है, इसलिए कि एक MCQ आएगा आपको इस पर से। तो यहां पे U इन्फिनिटिव है और VF पे है, तो वो फोकस है प्रिंसिपल फोकस, सिंबल है F2। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, मतलब U इज इक्वल टू F है, तो V इन्फिनिटिव होगा, तो वो F है सेकेंडरी फोकस। हाँ, अगर हमारे पास बाय कॉन्वेक्स लेंस है तो दोनों फोकस के लिए हमें F प्लस ही लेनी है। यस, तो यहां पे आपको U इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, 1/∞ 0, V हो गया कितना F, V हो गया F, तो हमारी फॉर्मूला हो गई 1/F, ये 0 इज इक्वल टू μ2 - μ1 / μ1 1/R1 - 1/R2 एंड दिस फॉर्मूला इज नॉन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज नॉन एज लेंस मेकर फॉर्मूला, और यही लेंस मेकर फॉर्मूला पे बहुत सारे MCQs हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूला में आप अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि भाई एयर में से मीडियम में जा रही है तो म्यू वन इज इक्वल टू वन, तो नेचुरली है म्यू माइनस वन बाय वन, तो अपॉन में वन लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड, यहां पे म्यू है 1.5, मतलब आपको मालूम ही है कि भाई जो लेंस है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो वो भी आप इक्वेशन बना के तैयार रखो एमसीक्यू के लिए। 1.5 - 1.5 / 1.5 का मतलब होता है 1/2, 0.5 का मतलब है 1/2, 1/R1 - 1/R2, हाँ, लेकिन दोनों तरफ रेडियस सेम है तो 1/R - 1/-R, क्योंकि इस तरफ जो है वो रेडियस माइनस लेते हैं। आप कहेंगे पहले तो माइनस ली, भाई जब जब फॉर्मूला यूज करेंगे तब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे करेंगे और करेंगे, इसलिए 1/R1 होगी 1/R प्लस माइनस 1/-R, माइनस माइनस प्लस 1/R प्लस 1/R 2/R, ये 2 कैंसल हो जाएगी और आपको मिलेगी 1/F इज इक्वल टू 1/R, मतलब R इज इक्वल टू F। हाँ, ऐसी सिचुएशन की आप रेडीमेड इक्वेशन रखते हैं एक टेबल बना के, तो ऐसे MCQ में कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप फटाफट कर सकते हैं। फिर ये एयर में है, अगर यही लेंस को हम वाटर में डिप करते हैं तो क्या, तो नेचुरली है यहां पे एयर की जगह पे क्या आएगा, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फोकल लेंथ किसकी मिलेगी, वाटर में लेंस है उसके लिए। तो नॉर्मली याद रखना है कि अगर लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ग्लास की 1.5 मीन्स 3/2 और उसकी 1.33 मतलब आपको 4/3, तो ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट याद रखना कि अगर लेंस
एयर में है और उसकी फोकल लेंथ 20 है, तो वही लेंस को पानी में डिप करेंगे, वाटर में डिप करेंगे, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? तो पहले से कैलकुलेशन करके रखना, आपको आंसर मिलेगा 4 times more. 4 times more. मतलब आप ऐसे एमसीक्यू विदाउट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 20 × 4 80 centimeter. तो वही, तो यहां से आपको एक नया आइडिया मिला कि लेंस को जैसे जैसे डेंसर मीडियम में हम डुबाएंगे, कांटेक्ट में लाएंगे एयर की जगह पे, तो जितना कांटेक्ट में मीडियम डेंसर होगा उतनी ही फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी. मतलब ये हो गया कि अगर उसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई, ओके, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस जितना ही हो गया, मतलब 1.5, इसका भी 1.5, क्या हो जाएगा? 1.5 माइनस 1.5 जीरो. मतलब क्या? 1/f = 0. f = infinitive. infinitive का मतलब वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो infinitive. मतलब वो लेंस ही नहीं रहेगा. लेंस नहीं रहेगा उसका मतलब मैजिशियन, अगर ये लेंस को ऐसे लिक्विड में डिप करता है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस जितनी ही है, तो वो लेंस हमें उस लिक्विड में दिखाई नहीं देगा. क्या हो जाएगा? जादू, मैजिक. अब उससे उल्टा कि लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और उसको लिक्विड में डिप करते हैं, उस लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, तो लेंस एयर में था कॉन्वेक्स, लेकिन अगर उसको लिक्विड में डिप करते हैं बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज मोर देन दैट, तो अब वो कॉन्वेक्स नहीं रहेगा, कॉनकेव हो जाएगा. क्योंकि जो भी सरफेस हम लेते हैं, जैसे कि ये कॉन्वेक्स इसलिए है कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उस कर्व सरफेस को हम कंसिडर करते हैं. मतलब ये हो गया कि इसकी कॉन्टेक्ट में 1.6 है और ये 1.5 है, तो 1.6 की कर्व सरफेस कैसी हो गई? तो ये कॉनकेव, तो वो कॉनकेव हो जाएगा. जैसे कि एमसीक्यू है, एयर बबल पानी में है तो वो कैसे बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? तो कॉनकेव. तो ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज है, तो ये अच्छी तरह से याद भी रखो और इसके अलग अलग सिचुएशन के लिए आप अलग अलग फॉर्मूला तैयार रेडीमेड रखो, जिससे कि एमसीक्यू करते वक्त आप डायरेक्ट अप्लाई कर सको. ठीक है, आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से कर लो.